दोस्तों शाहरुख खान इन दिनों जवान की सक्सेस को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जवान को रिलीज हुए 50 दिन हो गए हैं और ये फिल्म अभी तक सिनेमा घरों में टिकी हुई है। वहीं साल सन 2023 शाहरुख खान के नाम रहा है। इस साल की शुरुआत में शाहरुख खान पठान लेकर आए थे और पठान सुपरहिट साबित हुई। वहीं पठान से शाहरुख खान ने लंबे समय बाद बॉलीवुड में वापसी की थी। अब साल के आखिर में फैंस शाहरुख खान की डंकी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली है, यानी कि साल का अंत भी शाहरुख खान धमाकेदार तरीके से करने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों डंकी का पहला रिव्यू सामने आ गया है और ये किसी और ने नहीं बल्कि एक्टर बमन ईरानी ने दिया है। दोस्तों बमन ईरानी हाल ही में एक इवेंट में गए थे जिसमें उन्होंने डंकी के बारे में बात की। खास बात ये है कि इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ बमन ईरानी भी नजर आने वाले हैं। लास्ट टाइम शाहरुख खान और बमन ईरानी हमें हैप्पी न्यू ईयर में दिखाई दिए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी। और आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों, डंकी को राजकुमार ईरानी ही डायरेक्ट कर रहे हैं और शुरुआत से ही राजकुमार ईरानी बमन ईरानी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उन्हें अपनी काफी ज्यादा मूवियों में कास्ट भी किया है, जैसे कि मुन्ना भाई MBBS और 3 Idiot में बमन ईरानी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अब वो डंकी में भी नजर आने वाले हैं। ऐसे में बमन ईरानी ने एक इंटरव्यू में डंकी का पहला रिव्यू दे दिया है। बमन ने मीडिया से बात करते हुए कहा उन्होंने फिल्म देख ली है और ये शाहरुख खान की हैट्रिक होने वाली है। इसी के साथ बमन ने अपनी फिल्म डंकी के बारे में भी बात की। बमन ने कहा मैंने फिल्म का फर्स्ट ड्राफ्ट देख लिया है और ये बहुत अच्छी बनी है। ये बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट है और ये राजकुमार ईरानी की बाकी फिल्मों की तरह एंटरटेनिंग भी है। आप इसे एंजॉय करोगे और ये आपको कुछ चीजें सोचने पर मजबूर कर देगी और आपको जिंदगी का कॉन्सेप्ट भी समझाएगी। दोस्तों डंकी की बात करें तो शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी ने पहली बार साथ में काम किया है। इस फिल्म की कहानी लोगों के इल्लीगल तरीके से विदेश जाने की है और वो कैसे कैसे सिचुएशन में फंसते हैं इस मूवी में उन्हें दिखाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें डंकी को राजकुमार हिरानी, अभिजीता जोशी और कनिका ढिल्लो ने लिखा है। इस फिल्म के अंदर आपको शाहरुख खान के साथ साथ तापसी पन्नू भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है और साथ ही इसमें विकी कौशल का भी कैमियो होने वाला है। तो दोस्तों आप शाहरुख खान की डंकी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।